हिंदी सिनेमा ने अपने 100 सालों के इतिहास में ऐसे कई अजीम सितारों को पहचान दी जिन्होंने अपनी अदाकारी से सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन सिने जगत के कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपने अभिनय से ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती से भी पूरी दुनिया को अपना कायल बना दिया। ऐसी ही बेमिसाल खूबसूरती से भरी अदाकारा मधुबाला की कहानी आज मैं स्वाति आप सभी के सामने लेकर आई हूं हमारे इस खास कार्यक्रम वो सुहाने दिन में। दोस्तों मधुबाला का नाम ऐसी अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा को संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनके हुस्न की खूबसूरती देखते ही बनती थी। उनके अभिनय ने हर सिने प्रेमी को फिल्मों की ओर अपना नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया। बलासी खूबसूरत मधुबाला का जन्म सन 1933 को दिल्ली में हुआ। उनका असली नाम मुमताज जेहान देहलवी था। इनके पिता का नाम अताउल्ला खान और माता का नाम आयशा बेगम था। 11 बच्चों में से ही अपने माता पिता की पांचवी संतान थी। पेशावर में एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करने वाले इनके पिता अपनी नौकरी खोने के बाद पहले दिल्ली और फिर मुंबई जाकर बस गए। बचपन से ही एक्टिंग में रुचि रखने वाली मधुबाला ने साल 1942 में आई फिल्म बसंत से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में पहली बार वो बतौर बाल कलाकार स्क्रीन पर नजर आई। पहली फिल्म होने के साथ ही ये फिल्म पर्दे पर सुपरहिट रही। जानी मानी एक्ट्रेस देविका रानी इनके अभिनय से काफी प्रभावित हुई और उन्होंने ही मुमताज को स्क्रीन पर अपना नाम बदलकर मधुबाला रखने की सलाह दी। लेकिन वहीं 2 साल बाद ही उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। साल 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन में इनके 3 भाई बहन मारे गए। मधुबाला के परिवार के लिए ये काफी कठिन समय साबित हुआ लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। महज 14 साल की उम्र में ही उन्हें अपने जीवन का बतौर लीड पहला ब्रेक मिला। साल 1947 में आई फिल्म नील कमल में उन्हें अभिनेता राज कपूर के अपोजिट कास्ट किया गया। फिल्म महल को भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म में मधुबाला और अशोक कुमार की जोड़ी ने बड़े पर्दे पर कमाल ही कर दिया। इसके बाद इन्होंने कभी पलटकर नहीं देखा। दुलारी, बेकसूर, श्री फरहाद, कल हमारा है, तराना, बादल, इन सभी फिल्मों में इनका अभिनय देखते ही बनता था। साल 1958 में आई गुरुदत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज का गाना आइए मेहरबान आज भी हर किसी की जुबान पर है। दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर मधुबाला और दिलीप कुमार की मुलाकात हुई और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ऐसा माना जा रहा था कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे लेकिन इसके बाद फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान मधुबाला ने जब आउटडोर शूट के लिए मना कर दिया उसके बाद फिल्म के निर्माता ने उन पर केस कर दिया। मजबूरन दिलीप साहब को भी निर्माता का साथ देना पड़ा जिसके बाद इनके रिश्ते में खटास पड़ गई और इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। मधुबाला ने अपने करियर में हर ऊंचा मुकाम हासिल किया। उन्होंने फिल्म जगत के हर बड़े सितारे के साथ स्क्रीन शेयर की। 1960 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम मधुबाला के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने सलीम और मधुबाला ने अनारकली का किरदार निभाया लेकिन उसके बाद भी ये दोनों करीब ना आ सके। उन्हीं दिनों एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टियां हुई जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि उनके दिल में छेद है। उस दौर में इस बीमारी का इलाज संभव नहीं था। इतनी बड़ी बीमारी का शिकार होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इंडियन सिनेमा को एक से एक हिट फिल्में दी। फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सेट पर वो और किशोर कुमार करीब आए और 1960 में ही दोनों ने शादी कर ली। मधुबाला से शादी करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम कबूल किया था। शादी के बाद वो अपना इलाज करवाने लंदन चली गईं। थोड़ी सेहत सुधरी जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो वापस फिल्मों में काम करेंगी। वापस अपने वतन लौटने के बाद फिल्म चालक साइन की।
लेकिन महज एक दिन की शूटिंग के बाद ही वो सेट पर गिर गई और बेहोश हो गई। इसके बाद वो कभी बिस्तर से नहीं उठ सकी और 23 फरवरी 1969 को महज 36 साल की उम्र में ही इस खूबसूरत अभिनेत्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बहुत ही छोटी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली मधुबाला ने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से हर किसी को अपना कायल बना दिया था। आज मधुबाला भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका नाम भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।